हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न होंगे। बिहार जीके क्वेश्चन। पहला, बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बिहार का विभाजन झारखंड झारखंड से किस वर्ष हुआ था? 15 नवंबर 2000। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का कौन सा स्थान है? 11वां। तीसरा, बिहार शहरी क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 1095.49 वर्ग किलोमीटर। सवाल नंबर फोर, बिहार का ग्रामीण क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। पांचवा, बिहार की राजधानी है हिंदी, बिहार की राजभाषा है हिंदी। छः, बिहार की वर्तमान राजधानी है पटना। सात, बिहार में गांवों की संख्या कितनी है? 44,874। वर्तमान में बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 242। वर्तमान में बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। 10, वर्तमान में चयनित लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। बिहार का क्षेत्रफल कुल कितने किलोमीटर में फैला है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? 86%। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? नहरें। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार प्रथम राज्यपाल कौन थे? राज जयराम दौलत राम। बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह। बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार बंधु। बिहार में किस वर्ष प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु का प्रकाशन हुआ था? वर्ष 1872। बिहार में प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? सर्वहितैषी। किस वर्ष बिहार में पहली बार हिंदी दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? वर्ष 1880। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? बिहार हेराल्ड। बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1875। बिहार में देव मंदिर कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। बिहार में किस स्थान पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है? बोधगया। बिहार के किस स्थान में गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है? पटना। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? 880 मीटर। वर्ष 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके कार्यकाल में किया गया था? लोक नायक जयप्रकाश नारायण। बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद। बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड देस चैंपियंस चामियार। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफार। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम व्यक्ति जिसने अशोक चक्र प्राप्त किया था? रणधीर वर्मा। बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी? वर्ष 1904। बिहार के किस स्थान पर पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी? मढ़ौरा। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा था? बरौनी रिफाइनरी। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ अवस्थित है? मुजफ्फरनगर।
बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है? मोइनुल हक स्टेडियम पटना। बिहार का प्रथम नित्य भवन कौन सा था? भारतीय कला मंदिर पटना। किस वर्ष बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया? वर्ष 1993। बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है? छठ पर्व को। किस व्यक्ति द्वारा बिहार में हिंदी को पथ प्रदर्शित करने वाला अग्रिम व्यक्ति कहा जाता है? सद्गल मिश्र। बिहार के किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रकवि कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अनुसार बिहार का भारत में कौन सा स्थान था? तीसरा। 2011 के बिहार का घनत्व कितना था? 1102। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। 75.59%। बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। 52.49%। बिहार में पुरुष साक्षरता कितनी प्रतिशत है? 73.39%। बिहार में पहला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 33%। बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 33%। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर स्थित है? रोहतास। 85.29%। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? सहरसा। 42.73%। 1991 से 2001 में बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी? 73%। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई? शिवहर। 36.16%। बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि किस जिले में हुई? 18.64%। बिहार राज्य का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? पटना। बिहार में यातायात के प्रमुख साधन है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग। बिहार में औसत वर्षा कितनी है? 1205 मिलीमीटर। बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 22 मार्च 1912। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया। बिहार राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा। बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। बिहार में कुल जिले की संख्या कितनी है? 38। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। बिहार में किसान सभा का संस्थापक कौन थे? स्वामी राजानंद सरस्वती। बिहार में किस वर्ष किसान सभा का गठन हुआ था? वर्ष 1929। बिहार में राजा स्वराज दल का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1923। किस वर्ष बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था? वर्ष 1921। किस व्यक्ति ने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? राजेंद्र प्रसाद। किस वर्ष बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ था? वर्ष 1936। किस वर्ष में बिहार एक पृथक प्रांत बना था? वर्ष 1912। किस वर्ष बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1929। किस वर्ष बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1919। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा की ब्राह्मण में मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में। किस वर्ष बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? वर्ष 1934 में। बिहार में किस वर्ष तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी? वर्ष 1198 में। बिहार की किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? कुंडल ग्राम। बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था? चंपारण। बिहार राज्य में कौन सी भाषा मुख्यतः प्रचलित नहीं है? अवधी। बिहार में किस वर्ष प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? वर्ष 1978। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की
बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद बैंक। बिहार के किस स्थान पर सर्वप्रथम नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए थे? चिरांद। बिहार में किस अवसर पर लग्नी राग गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। किस कवि ने नचारी राग वन लग्नी राग का सृजन किया था? कवि विद्यापति। बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? महाकवि विद्यापति के काल में। 90। बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है? डॉक्टर रामधारी सिंह। बिहार में मुख्यतः किस समय मिथिला व दरभंगा जिलों में लग्नी राग गाए जाते थे? विवाह के समय। किस कवि ने बिहार में फाग राग के गीतों की रचना की थी? नवल किशोर सिंह। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? बिंबिसार। किसके शासनकाल में मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक सुशोभित था? बिंबिसार। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 1483 ईस्वी पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु। किसने मगध राज्य का प्रारंभ किया था? बृहदर्थ ने। जरासंघ के पिता का क्या नाम था? बृहदर्थ। मगध राज्य को किस शासक ने एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? बिंबिसार। बिहार में होम रूल आंदोलन के स्थापक कौन थे? बिहार में होम रूल के संस्थापक कौन थे? मजहरुल हक। मजहरुल हक।